हेलो फ्रेंड्स और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल डिजाइन। गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑफसेट कमांड के बारे में, जिसका यूज ऑटोकैड में 2D डिजाइन में बहुत ही ज्यादा किया जाता है। तो गाइस इसके बारे में आज हम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप 1 से 12 तक के जो ट्यूटोरियल हैं वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके आप प्ले करके देख सकते हैं। गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑफसेट कमांड होती है वो आप किसी भी तरह के डिजाइन में ऑफसेट कर सकते हैं। गाइस जैसा आपका ये देख सकते हैं क्लोज होगा, क्लोज में भी कर सकते हैं, और आपका लाइन ओपन होगा ओपन में भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, करके दिखाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप एक पॉली लाइन ले लेते हैं, यहाँ से पॉली लाइन लिया है और इसको किसी भी डायरेक्शन में कैसे भी करके बना देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। अब ये क्या होता है कि इस पॉली लाइन का ये मतलब होता है कि ये सिलेक्ट वन टाइम हो जाता है फुल। तो ये अगर वन टाइम फुल सिलेक्ट होता है, अब इसको हम आसानी से ऑफसेट कर सकते हैं। गाइस ऑफसेट कमांड के लिए यहाँ से डायरेक्ट ये ऑफसेट का सिंबल है, यहाँ से ऑफसेट कमांड ले सकते हैं। इसके अलावा शॉर्टकट की है इसका ओ, देन ओ एंटर। अब यहाँ पे बोल रहा है कि स्पेसिफिक ऑफसेट डिस्टेंस, तो आपका जो ऑफसेट डिस्टेंस रखनी है वो कितनी रखनी है। तो गाइस यहाँ पे हम इसके लिए बन रखते हैं, ये आपकी जो भी डायमेंशन होगी उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे सिंपली, चाहे इधर कर देंगे तो आउटर साइड में हो जाएगा, अंदर कर देंगे तो इनर साइड में हो जाएगा ऑफसेट। तो ऐसे यहाँ से मल्टीपल कितने भी चाहो उतने ऑफसेट बना सकते हो, एक इसकी लिमिट के अकॉर्डिंग यहाँ से मल्टीपल ऑफसेट बना सकते हो। इसके अलावा अगर हम डायरेक्ट एक रेक्टेंगल ले लें, REC रेक्टेंगल के लिए इस तरह से रेक्टेंगल है, इसका भी अगर हम करना चाहें तो वन टाइम में ऑफसेट कर सकते हैं। ऑफसेट के लिए ओ एंटर, देन अगर इसकी 0.5 डिस्टेंस मान लो तो 0.5 के लिए इस हिसाब से आप कितना भी ऑफसेट कर सकते हो। नेक्स्ट जो है आप सिंपल लाइन जो होती है प्लेन लाइन, लाइन के लिए L, और इस तरह से लाइन अगर हमने ड्रॉ कर ली है तो इस पर अगर ऑफसेट करना चाहें तो वन एंटर, इस तरह से इसमें भी ऑफसेट कर सकते हैं जितना चाहें उतना। अब नेक्स्ट है गाइस अगर हम लाइन का है कोई भी ओपन लाइन रहेगा और अगर हम मल्टीपल कर लें तो उसको कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह से आप देख सकते हैं, तो हमने ये लाइन ले ली लेकिन ये तीन जगह से है, तीनों जगह अलग अलग सिलेक्ट होती है क्योंकि ये लाइन है, पॉली लाइन नहीं है गाइस। तो अगर इसका ऑफसेट करना चाहोगे तो ओ एंटर, देन वन एंटर। अब जो भी लाइन आप सिलेक्ट करेंगे वो उसी का ऑफसेट होगा। अगर आप एक बार में पूरे का करना चाहते हो तो इसको ज्वाइन करना पड़ेगा लाइन को, तो ज्वाइन करने के लिए गाइस जे एंटर करना पड़ेगा, देन सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, देन एंटर। अब आप देख सकते हैं ये आपका ज्वाइन हो चुका है। अब इसके बाद अगर आप ऑफसेट कमांड यूज करेंगे ओ एंटर वन एंटर, तो इस तरह से आपका पूरा ये ऑफसेट होता चला जाएगा जितना भी आप ऑफसेट करना चाहें इस तरह से। अब गाइस ऑफसेट में ये कुछ कमांड्स हैं उनके बारे में हम आपको डिटेल समझाने वाले हैं। तो जैसे आप ऑफसेट के लिए ओ एंटर करते हैं तो यहाँ पे थ्री ऑप्शन मिलते हैं, जैसे थ्रो है, इरेज है, लेयर है। तो थ्रो क्या करता है गाइस, अगर आपको एक यहाँ से डायरेक्ट आपने डिस्टेंस नहीं डाल के अगर आप अपने अकॉर्डिंग कहीं पे एडजस्ट करना चाहते हो तो सिंपली ऑफसेट कमांड के लिए ओ एंटर करना है, डिस्टेंस नहीं डालने हैं, थ्रो के लिए टी डाल देना है, टी एंटर करना है। अब हमें इसको जितना भी जहाँ पे भी ले जाना है, देख सकते हैं जहाँ पे भी हम ले जाना चाहें इसको वहां पे ले जाके छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें
अब जैसे ऑफसेट कमांड आपने लिया, अब नेक्स्ट है थ्रो का ही काम समझ में आ गया, ये अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट जैसा भी करना चाहो वैसा कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका इरेज का, तो इरेज क्या करता है, इरेज के लिए हम ई इंटर करेंगे, शॉर्टकट की है। ई इंटर करने के बाद अब इरेज क्या करता है, यहाँ पे लिख के आता है कि गैस की इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट आफ्टर ऑफसेटिंग, यानी बोल रहा है अगर आप कोई ऑब्जेक्ट ले रहे हो तो उसके बाद आपको वो ऑब्जेक्ट डिलीट करना है या नहीं करना है, इरेज करना है या नहीं करना है। अगर हमें करना होगा तो यस के लिए वाई कर देंगे, तो वाई करने पर आप देख सकते हैं अगर हमने इस पे लिया, ये एक पॉइंट ले लिया। अब इसके बाद अगर हम यहाँ से एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, देख सकते हैं गाइस ये वाला है, यहाँ पे है रियल। अब यहाँ से अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेते हैं तो ये पहले वाला जो लाइन था वो डिलीट हो चुका है, रेज हो चुका है। तो आप किसी का भी यहाँ से ऑब्जेक्ट लेके देख सकते हैं, अगर इसका ऑब्जेक्ट बाहर को लेते हैं तो ये वाला पहले वाला लाइन जो है ये वाला डिलीट हो जाएगा, ये रेज हो जाएगा। इसका लेते हैं तो यहाँ पे गाइस देखिए ये रेज हो गया, दो ही लाइन बचा है। तो इस तरह से ये होता है। अब यहाँ से अगर हम ऐसे ही करते जाएंगे, हमें ऑफसेट चाहिए होगा तो पहले वाला हम डिलीट क्यों करेंगे फर्स्ट, तो सिंपली आपको ऑफसेट में जाना है, देन एरेज के लिए ए एंटर करना है, देन नो कर देना, नो के लिए एन एंटर कर देनी है। तो आपका जो पहले से जो भी लाइन, ये वाली लाइन है फॉर एग्जांपल, तो ये पहले से हमारी है, तो इसको आप यहाँ से ऑफसेट लेंगे तो ये आप नहीं मिटेगी क्योंकि हमने नो कर दिया। तो इस तरह से आप इसमें सेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट सेटिंग जो है इसमें लेयर की है, शो ऑफसेट एंटर किया, नेक्स्ट ये शो कर रहा है लेयर के लिए, लेयर के लिए एल एंटर करेंगे। देन इसके बाद में ये बोल रहा है गाइस कि करेंट में करना है या सोर्स में करना है। करेंट में जो भी आपने इसमें लेयर सेट कर रखी हुई है यहाँ से, उस लेयर के अकॉर्डिंग ये करंट में बन जाएगा। करंट में बनाने के लिए सी एंटर कर देनी है। तो करंट में हमारी लेयर जो है व्हाइट कलर की लेयर है, तो यहाँ से कलर भी आप चेंज कर सकते हैं लेयर का। देन यहाँ से अगर आपको कमांड से बाहर जाना है तो एक चिट के लिए ई एंटर कर सकते हैं, अंडू के लिए इसको रिवर्स करना है तो अंडू के लिए यू एंटर कर सकते हैं गाइस। एग्जिट के लिए डायरेक्ट कमांड एस्केप की है, ESC जो आपके कीबोर्ड में बिल्कुल कॉर्नर पे होती है। तो आज की वीडियो में आई थिंक आपको समझ में आया होगा, अगर आपको ये पसंद आया हो तो एक लाइक करें, और अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके वॉच कर सकते हैं गाइस। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशंस पहुंचे आपके पास सबसे पहले और आप वीडियो वॉच कर सकें। थैंक यू सो मच गाइस।